हेलो, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैंने किया है रात से स्टार्टिंग, और टाइम हो रहा है यानी कि 8 बज चुके हैं तब मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्टिंग किया है। और मुझे ना बहुत तेज़ वाला ज़ुकाम है, थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है हमारी। तो आज ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। तो आज है हमारी जानवी का बर्थडे। तो गाइस, उसके बर्थडे पे मैंने क्या क्या खाने में बनाया है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए आप लोग हमारे पूरे ब्लॉग में एंड तक। तो यहाँ पे बन रही है पनीर की सब्जी, और ना मटर पहले से ही उबली हुई है तो मैं बाद में डाल देंगे जब नमक वगैरह डालेंगे। और यहाँ पे घेवर की तैयारी चल रही है, तो चाशनी थोड़ी हो जाए तब मैं इसमें घेवर बनाएंगे। और बस यही चीज़ें बना रही हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं खास बनाया है मैंने, क्योंकि थोड़ा सर्दी जुकाम भी है तो थोड़ा मन भी नहीं लग रहा है, तबीयत थोड़ी सही नहीं है। तो ये सब्जी ना मैं काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो अभी इसमें टाइम लगेगा। और इधर ना चाशनी हो चुकी है, क्योंकि हमें ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है, क्योंकि वैसे भी बच्चों को सर्दी जुकाम है तो इसलिए। और यहाँ पर मैंने ना रबड़ी सी बना के रख दी थी फ्रिज में, तो इसको ना थोड़ा कढ़ाई में डाल के इसकी दोबारा से मुझे रबड़ी फिर बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये ना वैसा हो गया है, टाइट होया तो इसलिए इसको मुझे दोबारा करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसकी रबड़ी दोबारा से बना लेती हूँ, यानी कि थोड़ा गीला कर ले ना तो घेवर पर अच्छे से लगाते हुए बनेगा। जुकाम के वजह से ना थोड़ा मन भी नहीं लग रहा है ब्लॉग बनाने में, और उसी तो पता ही नहीं कहाँ चली गई चेहरे की। और तो ये रबड़ी सी बना लेती हूँ खोए की, उसके बाद मैं घेवर बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से हम बनाते हैं। तो बने रहिए आप लोग पूरे ब्लॉग में एंड तक। तो सबसे पहले हम इलायची वगैरह भी डालेंगे, तो हम खोए में ही डाल लेंगे। तो इधर हमने खाना भी बना लिया है, और अब आ गया है नंबर घेवर बनाने का, क्योंकि अभी चाशनी ना ठंडी नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा गर्म थी तो इसलिए मैंने नहीं बनाया था। तो खाना बना के मैं हो चुकी हूँ फुर्सत, और इधर फिर नंबर आ गया है, मैंने घेवर बनाया है। ये रोटियाँ ना जो घेवर वाली होती है ना, तो ये मैंने मार्केट से मंगवाई थी, तो इनको सिर्फ चीनी में पाग के और इनमें थोड़ी रबड़ी सी लगाने है, यानी कि खोया लगाना है। और खोए में मैंने इलायची वगैरह सारी चीज़ें डाल ली थी, और फिर इन पे हम पिस्ता और काजू बादाम भी लगाएंगे। और अगर आप काजू बादाम ना लगाना चाहो तो चेरी भी लगा सकते हैं, डेकोरेशन के लिए कुछ भी लगा सकते हैं घेवर पे, जो भी पसंद हो। तो वही, तो पहले क्या है, मैं चाशनी में इनको भिंगो भिंगो के रख रही थी, यानी कि डुबो के, और फिर यहाँ पे मैंने रबड़ी लगाई। वो सीन, वो वाला ब्लॉक नहीं ले पाया, ये बेटू से मैं बनवा रही थी, तो जैसा उसने बना पाया उस वैसे बना दिया। फिर यहाँ पे देखिए डेकोरेशन हो गई, और जानवी की ड्रेस देखिए आप लोग कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे डेकोरेशन की है ऋषि ने, और बहुत ही अच्छी की है, यानी कि बलून वगैरह बहुत अच्छे लगाते हैं ये, डेकोरेशन एक नंबर करते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा है सम्राट के बर्थडे पे किस तरीके की डेकोरेशन की है, और यहाँ पे केक वगैरह भी रख चुका है। तो यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है तिलक का, तो यहाँ पे तिलक हो रहा है, यानी कि टीका इनका बोलते हैं। तो टीका सबसे पहले मम्मी ने किया था, तो फिर उसके बाद मैंने किया है, और इनको घेवर खिलाया गया है जानवी को। फिर यहाँ गुब्बारे भी फोड़े गए हैं, फिर आ गया नंबर मेरा, तो फिर मैंने भी किया इनको तिलक। मैंने अब की बार क्या, इनको कोई भी चीज़ गिफ्ट नहीं दी है, मैंने अब की बार इनको पैसे दिए हैं। मैंने कहा अब की बार तो मैंने सारी चीज़ें आ ही चुकी हैं तुम्हारे पास, क्या चाहिए, चलो रुपए ही रख लो। सो ये बोल रही थी नहीं मुझे गिफ्ट चाहिए, मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ पे पापा ने किया, पापा ने भी तिलक किया है, तो क्या है ये अपने कपड़े अपने पसंद से लेके आई थी। फिर ऋषि ने किया, और ड्रेस बहुत सुंदर लग रही थी। तो ऋषि के बाद फिर इन्होंने किया है इनके जानवी के पापा जी ने, तो इन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया है, और
क्या है, सारी चीज़ें थी तो बस पैसे ही सभी लोगों ने दे दिए हैं। और तनु बहुत सारी चीज़ें लेके आई है गिफ्ट में, आप लोगों को क्या बताएं। यहाँ पर देखो तो मतलब बहुत ज़्यादा सीन कुछ ऐसा था कि, और देखो चुपके से कुछ दे दिया है इनके पापा ने। अच्छा ब्रासलेट है इनके जानवी के लिए, तो ब्रासलेट दे दी है। और यहाँ पर फिर मिष्टी ने किया, तनु भी बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी, क्लेचर है, रबड़ है, और हेड है, और ब्रासलेट है, पता नहीं क्या क्या लेके आई है, डिब्बे में पैक करके दी है। और यहाँ पर मिष्टी ने भी बहुत सारी चीज़ें दी है, ये क्या है गिफ्ट लेके आती है हर बार। और सम्राट भी कुछ लेके आया है जानवी के लिए, वो बोल सुबह से ही बोल रहा था कि मैं दीदी को गिफ्ट देंगे गिफ्ट देंगे। और माधव ने चॉकलेट भी दी है, तो भाई बहुत ही अच्छा लगा है, मतलब खूब इंजॉय बच्चों ने किया है जानवी का बर्थडे। और हमारे यहाँ पे क्या है, जल्दी जल्दी 2 ही महीने में सबके बर्थडे बन जाते हैं। मेरे यहाँ पे केक वगैरह काटा, और यहाँ पे बेसब्री से इंतज़ार बच्चे कर रहे हैं केक खाने के लिए। फिर मैंने जानवी को यहाँ पे केक खिलाया। और ये देखिए इनकी फ्रेंड ने ना बहुत सारी चीज़ें दी हैं, हाथों में पहने हुए हैं कंगन वगैरह, और अच्छा लगा बहुत ही। तो यहाँ पे केक खिलाने का नंबर आ गया है। और मैंने ना ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाया, फिर भी काफ़ी बड़ा हो चुका था। तो जन्मदिन बन चुका है और बहुत ही अच्छा मनाया, सच में बहुत सारे गिफ्ट भी मिले, काफ़ी लोगों ने दिए हैं। और शाम को ना मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी बहुत ही ज़्यादा, और फिर किसी ने खाना भी नहीं खाया था। और फिर उसके बाद जन्मदिन बनने के बाद, यानी कि केक वगैरह कट होने के बाद, फिर सभी लोगों ने खाना खाया। फिर क्या है, काफ़ी रात भी हो गई थी, 10:30 बज गए थे, तो बच्चे तो वैसे भी जल्दी सो जाते हैं क्योंकि ये दिन में नहीं सोते हैं एक भी बच्चे, तो इनको जल्दी नींद आ जाती है खाना खाने के बाद। तो फिर उसके बाद हमने भी जल्दी जल्दी अपना काम किया, मुझे भी बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी क्योंकि मेरी आजकल तबीयत भी सही नहीं है, जुकाम बहुत तेज़ हो रखा है, बुखार सा भी रहता है, यानी कि फीवर। फिर उसके बाद दोपहर, अब जो भी आपको आगे का ब्लॉग मिलेगा वो सुबह का मिलेगा, तो आज मैं क्या काम करूँगी अपना सारा रूटीन दिखाएंगे आपको पूरे दिन का। तो चलिए आपको ना आज ना मैं क्या काम करने वाली हूँ वो दिखाएंगे, तो चलती हूँ अपने पीछे छत पे फिर दिखाते हैं। तो अभी मेरा छैया सो रहा है, ये देखिए बेटो आ जाओ पीछे, आ जाओ छत पे। तो मैं आ चुकी हूँ अपनी पीछे छत पे, और मौसम बहुत ही अच्छा है आज का। और आज मैं कर रही हूँ अपने गमलों की साफ़ सफाई, मैंने ना एक आध घास वगैरह उगाई है तो वही सब निकालेंगे क्योंकि आज संडे भी है और इनको भी आज लेट ही जाना है, तो इसलिए आज मैं अपने गमलों की साफ़ सफाई करेंगी। और मौसम भी बहुत बढ़िया है, देखिए बहुत ही बारिश जैसा मौसम है, यानी कि कभी भी बारिश हो सकती है, तो इस तरीके का मौसम है हमारे यहाँ का। और इस तरीके की घास ना उगाइए गमलों में, तो इनको ना साफ करेंगे। अभी इस वाले गमले में बहुत ज़्यादा है, ये देखिए मैंने अपने गमलों की साफ़ सफाई कर दी। और ये देखिए इतना हैवी पौधा हो गया है, इसने तो सारी बाल्टी बाल्टी फाड़ दी, ये पता नहीं इसमें कौन से मौसम में फूल आते हैं, चलो देखेंगे कभी तो आएंगे फूल।
कीड़ा लगना स्टार्टिंग हो गए हैं, अब इन पर ना दवा का छिड़काव कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा कीड़ा लगने लगे हैं। तो ऊपर झाड़ू वगैरह लगा के मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, और आज की सब्जी क्या बनाने वाले हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ पूरे ब्लॉग में। तो हम ना यहाँ पर भिंडी की सब्जी रख गए थे धुल के, तो अब इनको काटेंगे। और रात की डेकोरेशन, तो सब्जी मैंने काट के तैयार कर ली है और इधर कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल, गरम मिर्च पाउडर, तो सारे काम से मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल फुर्सत। खाना वगैरह भी बना लिया है और बच्चे भी खा चुके हैं, यानी कि सभी लोग खा पी के अपने अपने काम के लिए निकल गए हैं। और अभी देखिए टाइम हो रहा है, यानी कि 12 बजने वाले हैं, 5 मिनट कम है, और मैं अभी भी फुर्सत नहीं हो पाई। और 12 बजने वाले हैं, 5 मिनट कम, और मैं अभी भी फुर्सत नहीं हो पाई, क्योंकि आज संडे था और आज काम भी ज़्यादा हो गया है। तो अभी क्या है, मैं बच्चों की ड्रेस वगैरह भी धुल के डालेंगे, उसके बाद नहाएंगे, फिर खाना खाएंगे। तो चलिए इतना सारा काम करके मैं फटाफट होती हूँ फुर्सत। और देखिए कितनी तेज़ गर्मी लग रही है, झाड़ू पोछा करने में ना बहुत ज़्यादा पसीना निकल गया है। तो सारे काम से मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल फुर्सत, और मैंने कपड़े वगैरह भी धुल के डाल दिए, झाड़ू पोछा भी कर दिया है, और बच्चियाँ दोनों कर रही हैं कल जन्माष्टमी की तैयारी, तो वो ही कुछ अपना बना रही हैं। तो आप लोगों को कल के ब्लॉग में मिलेगा देखने को। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे सभी को हमारी तरफ से।